क्यों मैं दुल्हन हूँ। अमल, अमल, अरे अमल उठ जाओ। अमल अभी तक सोई पड़ी है ये। मिशाबा, मिशाबा, निशाबा, निशाबा की बच्ची। अम्मी ये क्या तरीका है? सॉरी दीना, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? चलो उठ के बैठो। मेरा पाँव पकड़ना, जा यहाँ से, सारी नींद खराब। उठ जाओ। अम्मी मेथी के पराठे और लहसुन की चटनी खा लेना, इतनी कमजोर हो गई हो तुम, कुछ भी नहीं खाती हो। चलो पेट भर के नाश्ता करो। बात सुनो, वो जिसमें सालन गर्म करते हैं, क्या होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोवेव की बात कर रही है? हाँ माइक्रोवेव। भाई तुम और तुम्हारे अब्बा वक्त बे वक्त आते हो, तो मैंने सोचा कि इस महीने ले लूं, तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। तो वैसे तनख्वाह कब मिलेगी? शायद आजकल में मिल जाएगी। शायद नहीं, बोलो आज ही मिलेगी इंशाल्लाह। ऐसी क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी अम्मी के लंच बॉक्स का तकल्लुफ नहीं किया करें। अरे इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, तुम तो मेरी बेटी हो ना। अम्मी आप समझ नहीं रही, यूनिवर्सिटी से बुटीक जाते जाते 4 बज जाते हैं, तब कहीं जाके लंच करने का टाइम मिलता है। अरे बाहर के बर्गरों से तो अच्छा है ना घर का खाना। वो तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन पूरा दिन लंच बॉक्स बैग में रखा रहता है और खाना खराब हो जाता है। यूनिवर्सिटी की भी पख तुमने खुद ही पाली हुई है, वरना 11 बजे सोके उठो और 12 बजे तुम बुटीक पे चली जाओ। यूनिवर्सिटी की वजह से तनख्वाह भी कट जाती है बाज़ाफा। अम्मी लेकिन पढ़ूंगी नहीं तो फिर अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो, सुबह 8:30 बजे निकलती हूँ और 11:30 बजे घर वापस आती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। माँ हूँ ना, जाहिर है तड़का तो लगा रहता है ना, जवान लड़की है, अच्छा नहीं लगता ना मुझे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, बाहर के लोग इतने भी बुरे नहीं है। चलें बहुत देर हो रही है, मैं अब निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खाना खा लेना, ये ना कि डब्बे में वापस आ जाए। लग रहा है आपने ना जमाने से बगावत करने की ठान ली है। सुबह हो गई है तुम्हारी? भूल भूल तो नहीं देखी वो आपकी सौकन की बेटी है, आपकी सौतेली बेटी, याद है या भूल गई है ये बात? मैं सगी हूँ, मेरा भी कुछ ख्याल कर लिया करें। हर वक्त अमल 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 लगा के रखी है इस घर वालों ने। चलें चलें, आप लोगों के पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाद हम लोग यहीं मिलेंगे। Thank you.
अच्छा वो आपने अपना असाइनमेंट जल्दी खत्म कर लिया। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा अच्छा हुआ कि आपने अपना असाइनमेंट जल्दी खत्म कर लिया, इसलिए आप यहाँ बैठी हैं और मुझे आपसे बात करने का मौका मिल गया। आप हैं कौन? आपने पहचाना नहीं? काफी दिनों से आपका पीछा कर रहा हूँ, छुप छुप के आपको देखता हूँ। निकाल, आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। क्यों? तो जानने के लिए। देख क्या कर रही हैं आप? अभी कुछ देर पहले आप मुझसे बात नहीं कर रही थी, मुझसे हाथ नहीं मिला रही थी, अब आप मेरा पीछा कर रही हैं। क्या बोला आपने? मैं क्यों पीछा करूंगी आपका? अभी पहले भी आपने मुझे टक्कर मारी, अब फिर आप मुझे टक्कर मारने वाली थी, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैं क्यों टक्कर मारूंगी आपको? मैंने कोई टक्कर नहीं मारी थी आपको। मैंने कोई पीछा नहीं किया आपका। अमल नायाब, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी? हाँ पीती हूँ अभी। सब खैरियत है ना? हाँ, कुछ हुआ है क्या? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर हो गया। मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या पता, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि जब से तुम आई हो पता नहीं उन लोगों की तरह किसकी जासूसी में लगी हुई हो। नहीं नहीं नहीं, तो जासूसी किसकी करूंगी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो अमल नाया, जब आप डिस्टर्ब होती हैं तो आप खाना खाना भूल जाती हैं, और तो और चाय भी पीना भूल जाती हो, और आज तुमने ना चाय पी ना खाना खाया, बताओ क्या चल रहा है? नहीं नहीं फरनाज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक और सबूत पेश करूँ मैं तुम्हारे सामने, एक शर्ट पे दो टैग्स, ये भी तुम तभी करती हो जब तुम डिस्टर्ब होती हो। तो अब मुझे बताओ सीधी तरह के चल क्या रहा है? हाँ एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो उसी की टेंशन हो रही है। सुतेली माँ से लड़ाई हुई है? नहीं। बहन से लड़ाई हुई है? नहीं, मेरी माँ किसी से लड़ाई नहीं हुई मेरी। कहीं किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है? नहीं कोई चक्कर वक्कर नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? चक्कर तो कोई ना कोई जरूर। कोई नहीं, आपको ड्रॉप कर दूं? अम्मी अबू की लड़ाई हो रही तुम्हारी वजह से, देखो जाके। अमल आने वाली है, उसके सामने मेरी इज्जत आप दो कौड़ी की कर देंगे। अरे मैं कर रहा हूँ दो कौड़ी की इज्जत? हैं? बात ही ऐसी करती हो कि बंदे का दिमाग भक्त से उड़ जाए। तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, आयशू और नशाबा भी आपकी बेटी हैं। मैं कोई उन्हें मैके से नहीं लेकर आई थी। उफ़ तौबा, मैंने कब इनकार किया आसिया बेगम? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने इनकार किया, लेकिन आपको उनकी कोई फिक्र भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अमल बड़ी है, पहले
छोटियों की होगी या बड़ी की होगी? अरे और आयशा तो बहुत छोटी है अभी। या अल्लाह, मैं आयशा की बात कब कर रही हूँ? मैं तो नुशाबा की बात कर रही हूँ। और मैं अमल की बात कर रहा हूँ। देखे ना, अमल अभी पढ़ रही है और नौकरी भी कर रही है, आधे घर का बोझ उसने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। तुम्हारा मतलब है मैं कम कमा रहा हूँ? ये भी कोई कहने की बात है? देखिए, आप दोनों मिलकर कमाते हैं तब जाके घर में एक दिन मुर्गी का गोश्त बनता है और महीने में एक दिन बकरे का गोश्त। देखो इसको, हजार दफा तेरे को मैंने बोला है आसिया बेगम कि जब मेरी तेरी बात हो रही हो ना तो बीच में ये चिकन और बकरे का गोश्त नहीं घुसाया कर। क्यों ना घुसाया करूं? ये आपके आलीशान बंगले में ना मैं और मेरे बच्चे किस तरह गुजारा कर रहे ये मुझे ही पता है। अच्छा तुम मेरी बात सुन, अब मां मेरा फैसला ध्यान से सुन ले अच्छी तरह। अमल का आ रहा है रिश्ता, अगर उन लोगों को अमल पसंद आ गई और मुझे वो लोग पसंद आ गए तो मैं अमल की शादी उस लड़के से कर रहा हूँ। सुन लिया? हौसला कर ले अब। सलामुलेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी? हाँ? सैलरी मिल गई है मुझे। अम्मी? अम्मी, 2,500 रुपए कम होंगे इसमें। क्यों? कुछ दिन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स थे तो मैं टाइम पर पहुंच नहीं पाई थी बुटीक, मैडम ने पैसे काट लिए। घुटनों घुटनों गुर्बत में धंसे हुए हम लोग और तुम्हारे अब्बा को हरी हरी सूझ रही है। तुम भी मुझे अपना दुश्मन ही समझती होगी ना, है ना? क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही है? मुझे बताओ, क्या मैंने गलत कहा तुम्हारे अब्बा को? भाई रिश्ता आया है, मैंने कहा पहले तुम नौशाबा की फिक्र कर लो। तुम तो अभी पढ़ना चाहती हो, नौकरी करना चाहती हो, मैंने क्या गलत कहा? सोचा था इस महीने पैसे ज्यादा आएंगे तो मैं घर की कुछ चीजें ले लूंगी, पर कहां ऐसी मेरी किस्मत, हर वक्त जोड़ तोड़ में ही लगी रहती हूँ। यही सोच सोच कर मेरे तो सर के बाल सफेद हो गए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों परेशान हो रही है? अरे कुछ ठीक नहीं होगा। तू क्यों नहीं इधर आए, बैठे इधर। क्या हो गया अम्मी? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, भाई अपने पैसे रखो अपने पास, मैं कोई भूखी नंगी हूँ, ये इन पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं, अपने बाप को दो जाके। नहीं नहीं अम्मी, ये आपके पैसे हैं, आप इस घर का निजाम चलाती हैं, आप रखिए। नहीं नहीं अम्मल, तुम रखो अपने बाप, बल्कि ये भी लो तुम। नहीं अम्मी, ये आपके पैसे हैं और आप ही रखेंगी, रख ले। अम्मल मेरे सर की कसम खाओ। क्या कर रही है? अरे रखो ना, मेरे कसम खाना अच्छी बात? अरे नहीं भाई, तुम मेरे सर की कसम खाओ कि जब तक नौशाबा की शादी ना हो जाए तुम शादी नहीं करोगे। बोलो, नहीं करोगी ना शादी? जब तक आशु और आदिल अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए तुम शादी नहीं करोगे? बोलो ना, अरे बोलो ना। मैं शादी नहीं करूंगी। फिर बोलो। मैं शादी नहीं करूंगी। देखिए तुम्हारा बाप तो यही चाहता है ना कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं वादा करती हूँ आपसे, जब तक मैं नौशाबा, आशु और आदिल को उनके पैरों पर खड़ा ना कर दूं, उनकी शादियां ना कर दूं, मैं खुद शादी नहीं करूंगी। शाबाश जी, फिर मैं जानती मेरी बेटी है ही बहुत अच्छी। शाबाश मेरा बेटा, तुम एहसास नहीं करोगी उनका तो कौन करेगा? Thank you.
मुझे लगता है आपको खाने पीने का कोई शौक नहीं। हेलो मिस्टर। हाय। एक्चुअली आपने उस दिन कहा था ना कि आप मुझे हैरेसमेंट के केस में अंदर करवा देंगी, तो इसलिए हाजिर हुआ कि अंदर करवा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दिल में उतरने का सिर्फ एक रास्ता है। तो ठीक है, आपने बिल्कुल गलत समझा। मुझे भूख भी लगती है और खाने पीने का भी बहुत शौक है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। इस अमल ने आया 10 मिनट की बैठक लगा ले मेरे साथ। मेरा दावा है खाना पीना भूल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं। एक्चुअली अब गई है। You're done? Are you sure? इसलिए कुछ कहने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए। ये कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो? उसने डम कर दिया। गुड, अच्छी बात है। लेकिन इसने बेवफाई की मेरे से। बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन जॉन भी कहते हैं ना, वफा मोहब्बत इखलास कुर्बानी, अब इन नफ्सों का पीछा क्यों करें? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ मिस्टर कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं करना चाहती। मैं तो करना चाहती। क्यों? क्योंकि आप मुझे कभी डंप नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रिसर्च से। रिसर्च? आप किस वक्त यूनिवर्सिटी आती हैं, कौन सी बस पे आती हैं, कितनी देर लाइब्रेरी में बैठती हैं, कौन सी क्लासेस अटेंड करती हैं, और साथ ही साथ आप जो सेल्स गर्ल की जॉब कर रही हैं ना एक बुटीक में, आई नो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू, और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी आप खुद उठा रहे हैं। तुम मेरी इतनी जासूसी करते फिर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी? Exactly. वो कहते हैं ना, कहावत है, दूध का जला फुंकुंक व्हाटएवर, उसका मतलब है कि इंसान बहुत केयरफुल होता है। मैं जानता हूँ आप कभी दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो मिसाल कायम करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। यकीनन ये बहुत डेयरिंग है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। इतनी आसानी से तो हार मैं भी नहीं मानूंगा। मैम जी देखिए, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा आप पर, और ये आपके साइज का है। एक्सक्यूज मी मैम। अरे क्लाइंट है यार। हाँ हाँ क्लाइंट है, जो सामने क्यूट सा लड़का है, तुम जानती हो ये कौन है? हाँ? अपना प्रपोजल रिवाइज कर। क्या? तुमने कहा था ना दोस्ती नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट शादी कर लो। पागल हो क्या? शायद। देखो मेरे काम की जगह है,
बेहतर ही होगा तुम चले जाओ यहाँ से। तुम शादी करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी लोग करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर ही लो। कहा ना मैं शादी नहीं कर सकती। तुमने कहा दोस्ती नहीं कर सकते, अब कह रही हो शादी नहीं कर सकती, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? What? तुम ये क्यों कहती हो कि दोस्ती नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती? हर बार नहीं कर सकती पर जोर क्यों होता है तुम्हारा? क्योंकि मैं दोस्ती और शादी दोनों नहीं कर सकती। उसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुमने शक्ल देखी है उसकी? कितना खुश शक्ल, हैंडसम और खुश अखलाक इंसान है वो। ही इज़ सो क्यूट। हाँ है तो वो, लेकिन नहीं कर सकती ना शादी। क्यों क्यों अमल आया क्यों? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया हुआ है। किसी? अपनी अम्मी से। अमल, अमल। जी अम्मी। जी वो तुम्हारे अब्बा आ गए, तुम जाके जरा उनसे बात करो। अगर मैं करूंगी ना तो वो मेरी बात का उल्टा ही जवाब देंगे। जी शाबाश, तुम अच्छे तरीके से उनको समझा देना। जी बाबा, जरूरी बात करनी है आपसे। अम्मी जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं जानती कि नुशाबा ने अपनी स्टडीज क्यों छोड़ दी हैं, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, इस घर के हालात बदलना चाहती हूँ। बेहतर यही होगा कि इस वक्त आप मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें। आसिया, तुम्हारी सौतेली माँ है और मैं तुम्हारा सगा बाप हूं, मुझे ज्यादा बेहतर जानती है वो। बाबा क्या मैं अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच सकती? क्या इतना भरोसा भी नहीं है आपको मुझ पर? है भरोसा, बहुत भरोसा है। तुम्हें मान लेना मेरी बात, जो रिश्ता आने वाला है उसके लिए नुशाबा की बात करें, मेरी नहीं। Thank you.
मैं किसका हूँ परमा, मैं किसकी लगन हूँ, सुलगती न जलती मैं ऐसी अगन हूँ, किससे ये पूछूं कि क्या मैं दुल्हन हूं। अमल? Yes, ma'am. लाओ यहाँ रखो। कल वो लड़का और उसकी माँ आ रहे हैं शाम की चाय। कौन? अमल को भी घर पे होना चाहिए, नौशाबा की बड़ी बहन है वो। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी अमल को, आप फिक्र ना करें। अमल, वो लोग आ गए, जाके दरवाजा खोलो। और हाँ, उनसे कहना कि तुम नुशाबा की बड़ी बहन हो। अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। तुम्हारा क्या नाम है? अमल नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, बस मुझे जैसे ही मेरे बेटे ने कहा मैं चल पड़ी। अच्छा आए ना, आपके बेटे है कहाँ? वो जरा गाड़ी से मिठाई निकालने के लिए गया है। अरे रखो ना, ये आप लोग ले ना, कुछ तो ले। अरे तुम दो ना आगे करो भाई, ये खाना पीना तो चलता रहेगा, हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो बात तो कर लें। हाँ हाँ क्यों नहीं। अमन जाओ नुशाबा को लेकर आ। जी असल में मेरा बेटा मिकाल आपकी बेटी अमल से शादी करना चाहता है। नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी का नाम नुशाबा है। आपको मिर्जा साहब ने नहीं बताया? कौन कौन मिर्जा साहब? अरे नुशाबा के अब्बा। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हो गई आपको। एक्चुअली मैं अमल को जानता हूँ, अमल से शादी करना चाहता हूँ। अमल तुम जानती थी इस लड़के को पहले से?
जी। और तुम ये भी जानती हो कि ये तुमसे शादी करना चाहता है? जी लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन मैं इनको साफ साफ कह चुकी हूँ कि मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन अमल, सुन लिया, मेरी बेटी आपके लड़के से शादी नहीं करना चाहती, निकले यहाँ से। देखिए ऐसी बातें आप बैठ के आराम से कीजिए, इतना गुस्से में क्यों आप? पहले कि मैं आपका हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकालूं, आप यहाँ से जाएं। जाए यहाँ से। बदतमीजी है ये। असल में मेरा बेटा मिकाल आपकी बेटी अमल से शादी करना चाहता है। नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी का नाम नुशाबा है। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हो गई आपको। एक्चुअली मैं अमल को जानता हूँ और अमल से शादी करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी और नौकरी के नाम पे आशिकियां जलाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ? तो ये सारा फसाद तुम्हारी माँ ने लगाया है, वो कब्र से उठ के आई थी और फसाद मचा के गई है। बस एक लफ्ज भी और नहीं, मेरी अम्मी को बीच में मत लाना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा तो तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? मुझ पे हाथ नहीं तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारी वजह से दो बार रिजेक्ट हुई हूँ मैं, इसका बदला मैं तुमसे ले करूंगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? एक ही लाडली है, वही सगी है, हम सब तो तुम्हारे सुतेले। चाय पिला देगा कोई? अरे तुम अमल को बुलाकर पूछते क्यों नहीं हो? कौन था वो लड़का? किसी तारुफ ताल्लुक के बगैर वो हमारे घर क्या करने आया था? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मिर्जा। अरे अकेला तो नहीं आया था, अपनी माँ के साथ आया था, इसका मतलब है खानदानी लड़का है। हाँ उसी खानदानी लड़के की वजह से जो तुम्हारी वजह से रिश्ता आया था ना, वो चला गया। दोनों माएं हमारे दरवाजे पर ऐसे उमक मिल रही थी जैसे मेले में बिछड़ी हुई दोनों बहने हो। हाँ तो आसिया बेगम जैसी करनी वैसी भरनी, तुमको तुम्हारी नियतों का फल मिल रहा है खैर से। ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं है मिर्जा, पानी की तरह शफाक दो टोक बात करो तुम मुझसे। अच्छा कर रहे, पानी की तरह शफाक भी और दो टोक। हाँ बात ये है आसिया बेगम, कि जहां अमल के लिए कोई अच्छा रिश्ता आया, तुमने जोर जबरदस्ती से उसे नौशाबा की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद अमल की किस्मत से अल्लाह ने एक और अच्छा रिश्ता भेज दिया, तुमने वो भी ना होने दिया, जिसके बदले अल्लाह मियां ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता भी नहीं होने दिया खैर से। तो आसिया बेगम ये थी पानी की तरह शफाफ और दो टोक बात। अब इसके बाद रात का खाना तो तुम हमें दो, हम जाते हैं बाहर, तुम यहीं सुकून से बैठो। हैं? ये लो, हम गए। बाबा कहाँ जा रहे हैं? चाय पीने जा रहा हूँ, आके दरवाजा बंद कर लो। चाय मैं बना देती हूँ ना, आप बाहर क्यों जा रहे हैं इस टाइम? कमल बेटा मैंने, मुझे माफ कर दे बेटा, बड़ी गलती हो गई मेरे से। तेरी माँ के इंतकाल के बाद सारा खानदान मेरे पीछे पड़ गया, मजबूर कर दिया मुझको, बेबस कर दिया बिल्कुल। इस औरत से शादी करा दी, इससे शादी न करता। बाबा क्या हो गया है, कैसी बातें कह रहे हैं आप?
सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरा कसूर है इस सब में। अरे तेरी वजह से कहाँ हो रहा है, तेरा कोई कसूर नहीं है। बस मेरी एक बात अपनी गिरा से बांधे बैठा, मेरे जीते जी शादी करके इस घर से निकल जा, वरना ये औरत सारी उम्र तेरी कमाई खाती रहेगी और रत्ती भर एहसान भी नहीं मानेगी। दरवाजा बंद कर ले। क्यों मैं दुल्हन हूँ।